बात करते हैं कटनी की, जहां जिले की चाका पंचायत का एक वीडियो सामने आया है। इसमें सरपंच पद पर मुस्लिम प्रत्याशी के चुनाव जीतने पर कुछ युवा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने विजयी प्रत्याशी के समर्थन में भी नारे लगाए हैं। वीडियो में समर्थक जीत गया भाई, जीत गया पाकिस्तान, जीत गया के नारे लगाते सुनाई दे रहे हैं। ये वीडियो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना के बाद शुक्रवार रात का बताया जा रहा है, जो शनिवार को सामने आया है। पत्रकार इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। पाकिस्तान परस्ती के नारे वाले इस कथित वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। शनिवार सुबह गांव के आक्रोशित लोगों की भीड़ थाने पहुंची और इस मामले में शिकायत करते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि युवाओं ने पहले गांव में रैली निकालकर नारेबाजी की, इसके बाद प्रत्याशी के घर के पास पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नारे लगा रहे कई लोगों को वह जानते हैं, वही नारे लगा रहे लोगों में कुछ के बाहरी होने का दावा भी उन्होंने किया है। कटनी चाका ग्राम पंचायत में रहीसा बेगम पति वाजिद खान ने सरपंच पद पर जीत दर्ज की है। इसके बाद उनके समर्थकों ने वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला वीडियो सामने आया है। CSP विजय प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम चाका के सचिन परोहा और करीब 30 से 40 लोग आए थे। उनके द्वारा शिकायत की गई है कि सरपंच का चुनाव जीतने के बाद रहीसा वाजिद खान के समर्थन के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शिकायत की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। गांव की जनता जो है रईसा बेगम को जनप्रतिनिधि चुना है। इसके बाद उनके चुनने के बाद इनके पास सैकड़ों लड़के पता नहीं कहां से आए हैं और इन लोगों ने एक जुलूस निकाल करके हिंदुस्तान हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हुए हैं, जो हमसे सहन हमारे सहन के बाहर है, हमारे देश की जनता के सहन के बाहर है और इसको हम किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें एक पक्ष द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के वीडियो सोशल मीडिया में डाला गया है, तो उनके आवेदन पत्र जांच में लिया गया है। जांच उपरांत जो तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।